हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है जेनेटिक्स के थर्ड लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आउट क्रॉस, जिसमें आपका टेस्ट क्रॉस भी आएगा और बैक क्रॉस भी आएगा। दूसरी चीज़, इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में, और पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी में हमें पढ़ना है आज इनकम्प्लीट डोमिनेंट और कोडोमिनेंट। तो गाइस, सबसे पहले अगर आज हम लोग शुरुआत करते हैं तो हमारी शुरुआत होगी किससे? बैक क्रॉस से। ये बैक का मतलब क्या होता है आपको पता है? कि क्रॉस करोगे और क्रॉस करके क्या हो जाए? बैक हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस। नहीं, ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखना आपको बैक क्रॉस के लिए। बैक क्रॉस के लिए आपको ये याद रखना है कि F1 इंडिविजुअल को अगर आप पेरेंट के गैमेट के साथ क्रॉस करा रहे हो तो उसे आप कहोगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या है? F1 जो प्रोजेनी होगा, उस F1 प्रोजेनी को आप क्रॉस करा रहे हो किसके साथ? पेरेंट के साथ, एनी पेरेंट, चाहे वो होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, डजंट मैटर। तो ऐसे को आप कहोगे बैक क्रॉस। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये कैपिटल टी ये पेरेंट है, और ये स्मॉल टी ये भी पेरेंट है, बोथ आर पेरेंट। लेकिन ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डजंट मैटर। अगर ये दोनों मिलेगा तो फर्स्ट वन जनरेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, नो डाउट। आपको पता है कि कैपिटल टी प्लांट होंगे, लेकिन कैसे प्लांट के कैटेगरीज में आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा टॉल प्लांट। लेकिन स्मॉल टी कैसा प्लांट होगा? दिस वन इज अ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। और इसमें अगर आप ये देखोगे कि ये जो डेवलप्ड किया, दिस वन इज अ F1, तो इसे आप कह सकते हो F1 प्रोजेनी है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि बैक क्रॉस किसे कहते हो। ये F1 प्रोजेनी को किसके साथ क्रॉस करा दें, चाहे इस पेरेंट के साथ या इस पेरेंट के साथ, किसके साथ क्रॉस कराना? पेरेंट के गैमेट के साथ, तो उसे आप कहोगे बैक क्रॉस। क्या कहोगे? बैक क्रॉस, ठीक है। क्लियर हो गया कि F1 जनरेशन को क्रॉस कराएं किसके साथ? पेरेंट के साथ, तो वो बैक क्रॉस कहलाता। अब ये बैक क्रॉस दो तरह का होगा, यानी बैक क्रॉस भी सर दो तरह का? बिल्कुल, बैक क्रॉस दो तरह का होगा। एक जिसे आप कहोगे आउट क्रॉस, फर्स्ट वन इज आउट क्रॉस, और सेकंड वन इज टेस्ट क्रॉस। ये गाइस, आउट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, एक जिसे आप कहते हो आउट क्रॉस और दूसरा जिसे आप कहोगे टेस्ट क्रॉस। चलो आते हैं, समझ लेते हैं। F1 प्रोजेनी है जिसमें गैमेट है कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये F1 प्रोजेनी है। अगर आपने F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराया, पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराना, लेकिन कौन से पेरेंट के साथ? डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो उसे आप कहोगे आउट क्रॉस। मतलब पेरेंट के साथ ही सर कराना, लेकिन कौन सा पेरेंट होना चाहिए? पेरेंट होना चाहिए क्या? डोमिनेंट। और किसके साथ? F1 जनरेशन को डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर आपने क्रॉस कराया, तो ऐसे क्रॉस को कहोगे आउट क्रॉस। चलो देख लेते हैं, वैसे आपने भी देख लिया कि इसमें रिजल्ट क्या होगा। देखते हैं, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, एंड दिस वन इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना देगा TT, ये TT, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल द F2 जनरेशन, ये जो बनेगा ये कौन सा हो जाएगा? F2 जनरेशन, सारा का सारा F2 जनरेशन क्या हो जाएगा? टॉल। तो इसे आप कहते हो आउट क्रॉस। फिर से समझ लेना, बैक क्रॉस में पेरेंट के गैमेट से अगर F1 प्रोजेनी को कराते हैं उसे आप बैक क्रॉस कहते हो, लेकिन बैक क्रॉस दो तरह के होते हैं, एक जिसे आप कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में F1 प्रोजेनी को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं, तो इसे आप कहते हो आउट क्रॉस। अब बारी आती है किसकी? टेस्ट क्रॉस की। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो टेस्ट क्रॉस में भी वही चीज होगी, F1 जनरेशन को आप ले लो, दिस वन इज अ F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को आपने क्रॉस कराना है, लेकिन किससे? इस बार डोमिनेंट से नहीं, इस बार किससे? रिसेसिव वाले के साथ। तो रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ अगर हमने हाइब्रिड कराया, दिस इज कॉल्ड रिसेसिव, ठीक है। क्या है रिसेसिव? रिसेसिव पेरेंट है, तो ऐसे को आप कहोगे टेस्ट क्रॉस।
जस्ट आफ्टर अगर आप इस दोनों को मिलाते हो दैट इज दे फॉर्म्ड F2 जनरेशन। और ये F2 जनरेशन में क्या होगा आप जस्ट देख लो, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो गाइज ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 1:1 का। ये आपको समझ में आ गया बैक क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे मैं थोड़ी और बात करने जा रहा हूँ। हो गया, आगे आते हैं गाइस। इसके बाद मैं टेस्ट क्रॉस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आखिर इसका नाम टेस्ट क्रॉस क्यों दिया गया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो टेस्ट का मतलब आप किसी भी टेस्ट को क्यों करते हो, एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए। और ये टेस्ट क्रॉस आपको क्या एनालिसिस करके देगा, एक सिंपल सा चीज़ एनालिसिस करेगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, बेटा ये टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है, आप फेनोटाइप देख रहे हो? हाँ सर देख रहे हैं कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। आप क्या ये बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा गैमेट है? हाँ सर हमको पता है, क्या? कैपिटल टी है। और ये वाले में सर इसमें भी कैपिटल टी होगा। आप कैसे गारंटेड हो कि इसमें कैपिटल टी होगा, इसमें भी कैपिटल टी? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन कन्फ्यूज़न है आपको, फिनोटाइपिक देख करके आप सोच रहे हो चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। यहाँ भी वही कन्फ्यूज़न है आपको कि टॉल प्लांट देख कर ये डिसाइड करना ही पा रहे हो चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। इस चाहे को आज दूर करना, मतलब ये होगा होगा, क्या होगा सर? चाहे ये होमोजाइगस हो सकता है या हेटरोजाइगस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि ये टॉल प्लांट है तो इसका जीनोटाइप कैसे हो, क्या होगा, होमोजाइगस अलील होगा या हेटरोजाइगस अलील होगा। तो बाबू ऐसे बेसिस पे हम लोग इसके डिटेक्शन के लिए कौन सा क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस तो रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है, ये आपको पता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या चीज़ का डिटेक्शन करता है? सर अब हमको पता चल गया क्या चीज़ का डिटेक्शन करता है, दे कैन डिटेक्ट जेनोटाइप का डिटेक्शन करेगा कि इसके अंदर कौन से जीन है, होमोजाइगस एलील है या फिर हेटरोजाइगस एलील है। क्लियर है? चलो मान लो कि इसमें होमोजाइगस होगा तब रिजल्ट क्या होगा, और अगर इसमें हेटरोजाइगस होगा तब क्या होगा। हम क्या कराएंगे, हम कराने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। तो अगर मैं इसका टेस्ट क्रॉस कराता हूं तो इसमें गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैंने अभी क्या कहा, टेस्ट क्रॉस में आपको किसके साथ इसको हाइब्रिड कराना है? तो सर टेस्ट क्रॉस में अभी आपने कहा ना कि रिसेसिव पेरेंट होने चाहिए, तो रिसेसिव पेरेंट में कौन आ जाएगा, स्मॉल टी के साथ हाइब्रिड करा देंगे, मतलब ड्वार्फ प्लांट के साथ। क्लियर है? तो स्मॉल टी का गैमेट स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये होमोजाइगस का कंडीशन रहा तो F1 प्रोजेनी, जितने भी सारे F1 प्रोजेनी बनेंगे ऑल आर टॉल। फिर से बात समझ लो, अगर ये होमोजाइगस होगा रिसेसिव पेरेंट के साथ जब टेस्ट क्रॉस करेगा तो ये सारा प्लांट क्या होगा, ऑल आर टॉल। लेकिन वही दूसरे केस में आते हैं, ये वाला केस देख लो। इसमें अगर ये हेटरोजाइगस वाला कंडीशन हुआ, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं किसके साथ, स्मॉल टी। सर कराने की क्या जरूरत है, बगल में आपने करा रखा, चलो इसी को देख लेते हैं। कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें क्या बन रहा, दो टॉल प्लांट बन रहा, दो ड्वार्फ प्लांट बन रहा, तो यहां रेशियो क्या आ जा रहा, 1:1। तो अगर हेटरोजाइगस एलील है तो ऐसे केस में रेशियो आएगा 1:1, कब, जब आप इसको टेस्ट क्रॉस करोगे। लेकिन अगर होमोजाइगस है तो ऑल आर टॉल। तो इसी टेस्ट क्रॉस से आप डिटेक्ट कर पाओगे कि कौन से प्लांट के अंदर होमोजाइगस एलील मौजूद है और कौन से प्लांट के अंदर हेटरोजाइगस मौजूद है। और क्या याद रखना, टेस्ट क्रॉस में F1 प्रोजेनी को हाइब्रिड कराते हैं या क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। हाँ तो गाइज अभी हम लोगों ने क्या समझा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझने के बाद अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी, जिसमें आपका आ जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, लीथल जीन, लीथैलिटी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी जो आपको पढ़नी है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट के ऊपर। ठीक है गाइज, एक बात बताओ कि मैंने एक प्लांट लिया और उस प्लांट का नाम था मिराबिलिस जलापा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिराबिलिस
जलापा, ये एक प्लांट है और प्लांट का ये फ्लावर जनरली दो कलर का लिया गया, एक प्लांट था जो खा रेड कलर और दूसरा प्लांट था कौन सा वाइट कलर। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो इसे जनरली क्या कहा जाता है, इस प्लांट को मिराबिलिस जलापा को कहा जाता है 4 o'clock, मतलब जनरल लैंग्वेज में इसे कहते हैं 4 बजिया फूल, 9 बजिया फूल, इस तरह का कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए खिलता है फिर अपनी जगह पर आ जाता है, इस कारण इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। एक्चुअल नेम इसका साइंटिफिकली नेम है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, मिराबिलिस जलापा प्लांट को दो तरीके के कलर को ऑब्जर्व किया गया, पहला था जिसे आप कह सकते हो रेड और इसके अंदर जीन क्या थे कैपिटल आर, और दूसरा था वाइट जिसको क्या कंसीडर किया गया स्मॉल आर। गाइस होगा क्या कि ये दोनों हाइब्रिड करेगा और हाइब्रिड करके बनाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और जस्ट इस ये है F1 जनरेशन, तो दिस इज कॉल्ड पेरेंट प्लांट। कौन सा पेरेंट प्लांट था, पी प्लांट नहीं है इस बार, अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है मिराबिलिस जलापा पे, और ये मिराबिलिस जलापा का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा इसमें पेरेंट प्लांट ये है और पेरेंट प्लांट का ये हो गया गैमेट। गैमेट क्या हो गया, गैमेट नीचे बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड गैमेट और इसका गैमेट क्या बन जाएगा कैपिटल आर और इसका गैमेट क्या हो जाएगा स्मॉल आर, दोनों मिलेगा और बन जाएगा F1 जनरेशन। तो ये आपका हो गया F1 जनरेशन। अगर मैं आपसे बाबू बात पूछूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर का फेनोटाइप क्या होगा, तो आपके माइंड में एक सवाल तो बन रहे होंगे जल्दी से बताने को लेकर के, शायद आपने सोच भी लिया होगा, क्या सोचा होगा, द प्लांट इज रेड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके सोचा यह गया था लेकिन रिजल्ट कुछ और आ रहे थे, एक्चुअल में ये रेड प्लांट नहीं बन रहा था बल्कि कौन सा कलर बना, पिंक कलर। कौन सा कलर बन गया, पिंक कलर। कब, जब एक रेड कलर के प्लांट को वाइट प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया तो प्लांट कैसा बना, F1 जनरेशन पिंक बना, रेड नहीं बना। अब इसमें से F1 जनरेशन को लिया गया, F1 जनरेशन में दो F1 जनरेशन प्लांट को ले लिया गया और दोनों का कलर कैसा था, पिंक टू पिंक, दोनों को क्रॉस कराया गया, इसके अंदर गैमेट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अंदर गैमेट बनेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, ध्यान देना कैपिटल आर के साथ मिला स्मॉल आर के साथ मिला। फिर से आ जाओ, ये तो F1 जनरेशन था, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, F2 जनरेशन के बारे में। तो ये जो आप देख रहे हो F1 जनरेशन F2 जनरेशन, तो गाइज यहाँ पे ये जो प्लांट बना, ठीक है, इसमें कौन से कलर होंगे, कैपिटल आर एक्चुअल में क्या होगा, रेड होगा। आपका मन फिर से विचलित हो रहा होगा कि सर ये रेड और ये वाइट, नहीं, ये कैपिटल आर स्मॉल आर का कॉम्बोज जो बनाया वो कौन सा कलर बनाया, पिंक कलर। ये कौन सा कलर बनाया, पिंक कलर, और ये फिर से कौन सा कलर बना दिया, वाइट कलर। इसी वजह से इसे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंट का नाम देते हैं। क्यों इनकम्प्लीट डोमिनेंट का नाम दिए, क्योंकि एक प्लांट था रेड और दूसरा प्लांट था वाइट, लेकिन दोनों मिक्स हुआ तो ना ही रेड एक्सप्रेस्ड हुआ ना ही वाइट, उस दोनों के बीच में इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट रिलेशन बना दिया, दैट इज कॉल्ड पिंक कलर फ्लावर। अब देखना कि जब ये डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों मिलता है तो पिंक कलर बना देता, तो पिंक कलर ना ही डोमिनेंट का एक्सप्रेशन किया ना ही रिसेसिव का, बल्कि रिजल्ट जो बना वो इंटरमीडिएट बना। तो यहाँ पे जो मेंडल्स का लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंट, वो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे गलत प्रूव्ड हो रहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंट तो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये दिस इज द इनकम्प्लीट, क्योंकि डोमिनेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब आते हैं गाइस इसके एक चीज के ऊपर बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड फेनोटाइपिक रेशियो। किसका फेनोटाइपिक रेशियो, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। तो फेनोटाइपिक में आप देख लो, रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, F2 जनरेशन का रेड कितना गाइस 1, पिंक कितना है 2, वाइट कितना है 1, रेड 1 पिंक 2 वाइट 1। ठीक है, तो ये हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। अगर वो मैं बात करूं इसके जीनोटाइपिक रेशियो में, तो जीनोटाइपिक रेशियो में आपको दिख रहा होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, आप देख सकते हो। अब बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1।
तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो दोनों इक्वल है 1:2:1, और जेनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। तो यही इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहलाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब मुड़ जाना, डोमिनेंट की तरफ से अलग हो गया, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। ऐसा किस किस प्लांट में देखा गया? चलिए ठीक है सर, आपने तो कह दिया कि पी प्लांट में लॉफ डोमिनेंट होगा, लेकिन मिराबिलिस जलापा में हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो मिराबिलिस जलापा का आपने क्या देखा, फ्लावर कलर। तो मैं पहला एग्जांपल तो ये कह सकता हूँ, फ्लावर कलर ऑफ किसका, मिराबिलिस जलापा, पहला एग्जांपल हो गया किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। दूसरा एग्जांपल जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, दैट इज अ सेकंड एग्जांपल किसका, जिस तरह यहाँ पे फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा आया है उसी तरीके से आपका आ जाएगा फ्लावर कलर ऑफ एंटायरियम मैजस। तो ये जो एंटायरियम मैजस है इसका भी अगर आप फ्लावर कलर को उसी तरह से क्रॉस कराते हो तो उसमें भी आपको किसका रिजल्ट नज़र आएगा, उसमें भी आपको रिजल्ट नज़र आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट का। तो सर इसे हमें रटना होगा। हाँ बाबू, कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कौन एग्जांपल है किस चीज़ के, इनकम्प्लीट डोमिनेंट के। तो एक तो हो गया फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा, उसी तरह से फ्लावर कलर ऑफ एंथेरियम मैजस ये भी हो जाएगा। तो ये था आपका क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इसको आप नोट कर लो, जस्ट इसके बाद अगले के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो होगा हमारा को डोमिनेंट। ठीक है, हाँ तो गाइस अभी जो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंट को देखा या इनकम्प्लीट डोमिनेंट को पढ़ा और उसे समझा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है, कि दोनों में से किसी भी पेरेंट का डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंट। लेकिन इस इनकम्प्लीट डोमिनेंट के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है जिसे आप कहोगे को डोमिनेंट, दैट इज को का मतलब क्या होता है, टुगेदर, एक साथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि दो कैटल्स ले लो, एक गाय एक बैल, तो उसमें एक मेल और एक फीमेल हो गया, डजेंट मैटर। आपने क्या किया, एक ब्लैक और एक किसे लिया, वाइट, ठीक है, एक मेल कैरेक्टर में लिया एक फीमेल कैरेक्टर में लिया, दिस वन इज अ ब्लैक एंड दैट वन इज अ वाइट। ध्यान से बात समझना, दिस इज एग्जांपल ऑफ को डोमिनेट। ये ब्लैक कलर के लिए इसके अंदर जीन मौजूद है कैपिटल बी, और वाइट के लिए इसमें जीन क्या है, स्मॉल बी स्मॉल जी। दिस वन इज द पेरेंट, और पेरेंट का ये हो गया जेनोटाइप, दैट्स। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जीन क्या बनेगा, कैपिटल बी, और इसके अंदर जीन बनेंगे गाइस स्मॉल बी। दोनों को हाइब्रिड करा दो, ये जीन बन जाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज कॉल्ड F1 प्रोजेनी। आपको क्या दिख रहा, आप तो यहां इसे देखकर कहोगे कि ये ब्लैक कलर हो गया, नहीं गाइस ये ब्लैक कलर नहीं है, बल्कि इसे हम लोग कहते हैं रोन, ROAN, रोन। रोन का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक भी है और ब्लैक के बाद इसमें कौन सा कलर है, वाइट कलर है। बहुत सारे कैटल्स को आपने देखा होगा कि बॉडी कैसी है, वाइट है, उसमें ब्लैक डॉटेड है, या चलो मान लेते हैं ब्लैक बॉडीज है और उसमें क्या है, वाइट डॉटेड है, तो उसे कहते हैं रोन। अब इसे को डोमिनेंट क्यों कह रहे हैं, आखिर हमने उसे को डोमिनेंट का नाम क्यों दिया, इसके पीछे कारण यह है कि ये ब्लैक और ये क्या वाइट दोनों आया, और दोनों क्या हो रहा, एक्सप्रेस्ड हो रहा एक साथ टुगेदर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड को डोमिनेंट। अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन किसी एक ऑर्गेनिज्म में दोनों जीन का एक्सप्रेशन हो तो दोनों डोमिनेंट है। तो ऐसे डोमिनेंट के बारे में मेंडल्स ने कोई डिस्कस नहीं किया था, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंट। अब ध्यान देना इसके आगे के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने दो रोन को ले लिया, एक मेल है, चलिए एक फीमेल है, अब इसका जो गैमेट बनेगा गाइस, वो गैमेट को हम लोग F2 जनरेशन में बात करते हैं, वो है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी बनेगा। अब इसका अगर मैं फेनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में बात कहूँ तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फेनोटाइपिक रेशियो किसका, को डोमिनेंट का। और यहाँ पे ये जो जनरेशन है दिस इज कॉल्ड F2
जनरेशन, सही है। चलो जल्दी से बताओ तो अब क्या होगा? सर हमको पता है फेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होगा, गुड। कैसे? ये बीबी को ब्लैक, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों कैसा बनेगा? रोन, रोन का मतलब ब्लैक और वाइट बॉडी पे होगा, और स्मॉल बी क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? वाइट। तो ऐसे केस में कैपिटल बी कैसा कलर डेवलप कर रहा? ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा बनाएगा? रोन। और स्मॉल बी कैसा बनाएगा गाइस? वाइट। तो ऐसे केस में रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2:1। कैसे? देख लो आप, ये ब्लैक होगा, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों रोन होंगे, और ये कैसे होंगे? वाइट। क्लियर है? चलो जेनोटाइपिक अब हमको बताओ तो। तो सर जेनोटाइपिक जो हो जाएगा ना वो सेम हो जाएगा, जेनोटाइपिक भी इसका क्या हो जाएगा? 1:2:1। कौन सा रेशियो? दिस इज अ जेनोटाइपिक रेशियो। इससे पहले अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंट पढ़ा था, वहां पर भी फेनोटाइपिक रेशियो यही आ रहा था, जेनोटाइपिक रेशियो भी यही आ रहा था। कोडोमिनेंट में भी फेनोटाइपिक रेशियो यही होगा, जेनोटाइपिक रेशियो भी यही होगा, जो आपको यहां पे दिख रहा है। कोडोमिनेंट का मतलब टुगेदर, एक साथ। और भी कुछ एग्जांपल होते हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। पहला तो कोट कलर हो गया ऑफ कैटल्स, किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंट का। और कुछ एग्जांपल में मैं बात करूं कोट कलर के अलावा, सेकंड जो है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में भी कौन से ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंट के एग्जांपल में आते हैं? ब्लड ग्रुप ए और बी। ध्यान देना, सपोज कर लो कि कोई ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई ह्यूमन है जिसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो ए कहाँ से आया होगा? मम्मी की तरफ से। बी कहाँ आया होगा? पापा की तरफ से। लेकिन क्या ए भी एक्सप्रेस हो रहा और बी भी एक्सप्रेस हो रहा, यानी दोनों का दोनों एक्सप्रेस हो रहा, मतलब एक साथ? तो ऐसे को क्या बोलोगे? को डोमिनेंट। तो हमारे ब्लड ग्रुप में चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी ओ, सर जानते हैं, पहला टाइम किल कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ, ए बी ब्लड ग्रुप जो आपके हैं वो किसके एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंट के। इसके अलावा और कोई हो सकता है? सर आपको आगे एक डिजीज पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर भी है, और आगे जब डिजीज पढ़ूंगा तो सिकल सेल एनीमिया पढ़ाऊंगा। सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें दो तरह के जीन होते हैं, HbA और HbS। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कैरियर, जिसको खुद डिजीज नहीं होगा बल्कि उसके अगले जेनरेशन को होगा। तो ये एग्जांपल में अभी फिलहाल आप याद रख लो कि कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और ब्लड ग्रुपिंग में कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुपिंग, और कौन सा? कोट कलर ऑफ माइस। ये तीन एग्जांपल हो जाता है किसका? कोडोमिनेंट का। और कोडोमिनेंट क्या होते हैं? बड़ा आसान सा हो गया कि दोनों जीन एक्सप्रेस्ड हो रहा फेनोटाइपिकली किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसे आप कोडोमिनेंट कहोगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है? कि दोनों में से कोई जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ बल्कि उसका एक इंटरमीडिएट कोई रिलेशन बन करके उस प्रोजेनी में एक्सप्रेस्ड होगा, तो उसे आप कहोगे क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए थैंक यू।